दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की करारी हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी भड़ास निकाली है और उन्होंने तो विराट कोहली की कप्तानी पर ही सवाल उठाते हुए कुछ ऐसी बात कही है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। भारतीय टीम की इतनी बुरी हार पर क्या बोले दिग्गज सचिन तेंदुलकर, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम की हार का सबसे कारण कौन सा खिलाड़ी बना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक ऐसा मुकाबला बन चुका है जिसे कोई भी भारतीय फैन याद नहीं करना चाहेगा। 6 दिन चले इस लंबे टेस्ट मैच को भारतीय क्रिकेट टीम इतनी आसानी से हार गई जैसे कि कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। ना तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी में दम दिखा, ना ही गेंदबाजी में, ना ही फील्डिंग में और ना ही एग्जीक्यूशन में। विराट कोहली भी वक्त वक्त पर प्रेशर लेते हुए नजर आए, जिसका नतीजा यह रहा कि टीम ने बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी और यही धीमी बल्लेबाजी भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण भी बनी। क्योंकि दोस्तों, पहली पारी में हम मात्र 217 रन बना पाए थे, इसके बाद दूसरी पारी में मात्र 170 रन। तो विरोधी टीम को लक्ष्य भी मिला तो बस 140 रनों का, और जो टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन है, क्या वो 140 नहीं चेस कर सकती अभी 70 से 80 ओवर में? तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला तो न्यूजीलैंड की टीम का पहले से ही डिसाइड हो चुका था और भारतीय टीम की हार पर सचिन तेंदुलकर ने भी पहले अपनी भविष्यवाणी कर दी थी। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की यही भविष्यवाणी सिद्ध होने के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपना बयान दिया है और कप्तान विराट कोहली व पुजारा पर ऐसी बातें कह दी जो कि सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद मास्टर ब्लास्टर ने अपना बयान देते हुए कहा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि पहले 10 ओवर इस मैच का भविष्य डिसाइड कर देंगे। विराट कोहली और पुजारा ने यही गलती करी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने ओहदे को ना समझकर उसके विपरीत जाकर बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी और इस धीमी बल्लेबाजी से खुद इन दोनों खिलाड़ियों पर इतना प्रेशर बन चुका था कि उनका विकेट गिरने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों पर भी इतना प्रेशर बन चुका था कि वो रन लगाने में नाकामयाब रहे। और जाहिर सी बात है कि जब टीम के मुख्य खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे युवा खिलाड़ी व टेल एंडर से रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आज तक टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम का इतना खराब एग्जीक्यूशन नहीं देखा। शायद हमारी टीम ने विश्व की नंबर वन टेस्ट टीम को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया या फिर वो ड्रॉ कराने के मकसद से खेल रहे थे जिसमें वो नाकामयाब रहे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम अपने आप को बेहतर बनाएगी, अपने आप को सुधारेगी, गलतियों पर काम करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी टीम आगे चलकर टेस्ट फॉर्मेट में तो जीते ही बल्कि चैंपियनशिप्स को भी जीत कर आए। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन को। वो वाकई में एक बेहतरीन कप्तान है, एक मिसाल है टेस्ट फॉर्मेट को जीतने की। ऐसा कप्तान हो तो वाकई में टीम आईसीसी की किसी भी ट्रॉफी को डिजर्व करती है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने सीधे तौर पर निशाना साधा है विराट कोहली की कप्तानी और भारतीय टीम की धीमी बल्लेबाजी पर। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली की खराब कप्तानी से भारतीय टीम एक और आईसीसी का टूर्नामेंट हार चुकी है और क्या उन्हें कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।